तो टीम इंडिया का असली त्रिमूर्ति शिखर धवन, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को लेकर बेहद ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले। तो इन्हीं बड़ी खबरें के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। तो बात करें शिखर धवन, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर, जो कि अभी हालिया बात करें तो टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, लेकिन बता दें कि यह तीनों खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए बेहद ही अहम है और इन तीनों खिलाड़ी का पास अपार एक्सपीरियंस है। तो वहीं बात करें शिखर धवन का, तो दोस्तों बता दें कि शिखर धवन को टीम इंडिया से बाहर किया गया है। वह उनको कोई इंजरी नहीं है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन फिर भी बाहर किया गया है। लेकिन अब जो बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है वह है कि शिखर धवन को बैकअप ओपनर के तौर पर टीम इंडिया में शामिल किया जा सकता है। बता दें कि शिखर धवन एक बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज है, एक साल पहले तक टीम इंडिया भी थे शिखर धवन, लेकिन अभी वह भारतीय टीम के स्क्वाड में नहीं है। लेकिन शुभमन गिल के खराब परफॉर्मेंस से बीसीसीआई को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शिखर धवन को बैकअप ओपनर के तौर पर रखे, क्योंकि शिखर धवन वन ऑफ द बेस्ट ओपनर है और आईसीसी के टूर्नामेंट में रन भी बनाते हैं। वहीं बात करें केएल राहुल का, तो बता दें केएल राहुल जो कि इंजर्ड चल रहे थे, लेकिन अब उनको लेकर भी बेहद ही बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। बता दें केएल राहुल एशिया कप 2023 में ही खेलते हुए नजर आने वाले, उनका जो फिटनेस टेस्ट है वह लगभग कंफर्म हो चुका है कि वह फिट हो चुके हैं। वहीं बात करें हम श्रेयस अय्यर का, तो दोस्तों बता दें कि श्रेयस अय्यर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर है टीम इंडिया के लिए। बता दें कि नंबर चार पर बल्लेबाजी करते हैं और टीम इंडिया के लिए नंबर चार का स्लॉट है वह बेहद ही खाली दिख रहा है, कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो कि श्रेयस अय्यर का जगह ले पाए। अब जो श्रेयस अय्यर को लेकर खबर निकल के आ रही है कि श्रेयस अय्यर 100% फिट हो चुके हैं। बता दें कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर दोनों जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं एनसीए बेंगलुरु में, और खबरों का माने जो टीम इंडिया का प्रैक्टिस कैंप लगने वाला है एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए, उसमें भी नजर आने वाले हैं केएल राहुल और श्रेयस अय्यर। ऐसे में कंफर्म रूप से एशिया कप और वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएंगे श्रेयस अय्यर और केएल राहुल। इसके अलावा शिखर धवन को भी प्रैक्टिस कैंप में बुलाया गया है, यानी कि वह भी बैकअप ओपनर के तौर पर शामिल हो सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, या क्या तीनों खिलाड़ी टीम इंडिया के वर्ल्ड कप और एशिया कप के स्क्वाड में होंगे? अगर होंगे तो कितना इंपॉर्टेंट होगा टीम इंडिया के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।